ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुलिया की जाना मैं कौन। ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं विच शादी गम ना की, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, बुलिया की जाना मैं कौन, बुलिया की जाना मैं कौन। अव्वल आखिर आप नू जाना, ना कोई दूजा होर पछाणा, मैथों वध ना कोई सियाणा, बुलिया ओ खड़ा है कौन, बुलिया की जाना मैं कौन। कौन जानता था जात पात और रिवायात के बागी, बुल्ले शाह की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार करने वाले एक दिन उसके पहलू में दफन होने की ख्वाहिश करेंगे। उसूर की अशराफिया बाबा बुल्ले शाह के पहलू में दफन होने की ख्वाहिश करेगी। ये वो एक कसूर है जहां बाबा बुल्ले शाह को धुतकारा गया। कौन जानता था कि शहर से बाहर एक वीराने में हीचड़ों और भंगियों के हाथों जिसका मदफन बनेगा, उसके मकबरे पर सारी दुनिया मन्नतें मांगने आएगी। ये डोरी ना मन्नत की डोरी होती है, ये सरकार की जाली है अंदर, उसके साथ आप सामने अल्लाह ताला आपकी मन्नत पूरी कर देंगे इनके सदके। कौन जानता था, कौन जानता था अपने मुर्शिद की खातिर अपनी जात की नफी करने वाला खोतियां पालेगा ताकि ऊंची जात का टैग हटा सके। जेड़ा सानू सैयद आखे दोजख मिले सजाइयां, जेड़ा सानू राई आखे बहिश्ती पींगा पाइया, जे तू लोड़े बाग बहारा तालब हो जा राइया। खुद सैयद जादे थे लेकिन मुर्शिद एक आराई जनाब शाह इनायत को मान बैठे। शाह इनायत कसूर के हाकिमों को खटकते थे और कसूर छोड़कर लाहौर आ बसे। बाबा बुल्ले शाह के मज़ार की तज़ीन और आराइश हुई है और हमारे दोस्त डॉक्टर गाफिर शहजाद ने की है। बड़ा गुंबद अलामत है बुल्ले शाह की ज़हनी वसअत का, उसके दिल का। ये एक बहुत बड़ा मज़ार है और बुल्ले शाह के उर्स के दिनों में खचाखच भरा होता है। हिंदुस्तान में दो ऐसी जगह हैं जहां बाबा बुल्ले शाह का अलामती मज़ार बनाया गया है। इस मज़ार से एक ईंट ले जाकर भारत में बाबा बुल्ले शाह के मज़ार की, अलामती मज़ार की बुनियाद रखी गई थी। यहाँ अंदर एक बहुत बड़ा सहन है और उधर सैयदजादे का मज़ार है जो अंदर पाकीज़गी, बेगर्ज़ और बेपाया मोहब्बत पर यकीन रखता था, जिसने मोहब्बत एक गवालन और उसके महबूब से समझी। जब महबूब ने प्यास बुझाने के लिए गवालन से दूध मांगा तो गवालन ने पूछा कितना दूध पियोगे, और महबूब बोला वाह नाले यारियां दे नाले मिण मिण के, यानी मोहब्बत और वो भी गिनकर। बस गवालन का तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी मोहब्बत का जाने क्या हुआ, लेकिन बुल्ले शाह जिंदगी का रास पा गया। सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लैणा की सिर टोपी धर के, तस्बी फिरी पर दिल ना फिरया, लैणा की तस्बी हथ फड़ के, चिल्ले कीते पर रब ना मिलया, लैणा की चिल्लिया विच वड़ के। बुल्ले शाह जाग बिना दूध नहीं जमदा, पामे लाल होवे कड़ कड़ के। वाह क्या बात। और यहाँ भी मिर्जा गालिब याद आ गए जो बाबा बुल्ले शाह की तरह गिन गिन कर मोहब्बत बांटने को मोहब्बत में कमी गर्दानते हैं। जुन्नार फेंक सब है सद दाना तोड़ डाल, राह रो चले है राह को हमवार देख कर। वो कहते ने सूट दे तस्वीर तुझे, गिण गिण के अल्लाह नाल की प्यार करना, राह रो चले है राह को हमवार देख कर। बुल्ले शाह एक गैर रिवायती शायर और सूफी थे, राम और रहीम के मसले पर भी कलाम किया और असल मसले की तरफ तवज्जो दी। पढ़ पढ़ मसले रोज सुनावे, खाना शक शुवेदा खावे, दसे होर ते होर कमावे, अंदर खोट बार सचियार, इल्मो बस करी ओ यार, ओ यार पढ़ पढ़ नफल नमाज गुजारी, उचियां बांगा चांगा मारी,
मिंबर चढ़ के वाज पुकारी तैनू कीता हिरस खार, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। जिंदगी और मौत पर भी कह गए के बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर प्या कोई होर। बुल्ले शाह के कलाम में बहुत वुसत है, वो रिवायती फॉर्मलिज्म में कलाम नहीं करते। उनका कलाम, उनका नगमा, उनका गीत, उनका रक्स, उनका वजद, उनका कश्फ जमीन से फूटता है, आसमान की वसतों तक जाता है। वो आम सूफी बुजुर्ग नहीं थे, उन्होंने नफी जात के लिए अपने आप को त्याग दिया। बुल्ले शाह दरअसल मुनाफिकत के और खास तौर पे मजहबी मुनाफिकत के सख्त खिलाफ थे। वो अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी के हामी थे। फरमाते हैं, पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आप नु पढ़िया नहीं। जा जा वड़दा मस्जिद मंदरा अंदर, कदी अपने अंदर तू वड़िया नहीं। एवे रोज शैतान ना लड़ना, कदी नफ्स अपने नाल तू लड़िया नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़िया फिरना है, जड़ा कोर बैठा उन्हू फड़िया ही नहीं। बारो धोंदे लत्तां गोडे अंदर रही पलीती, कन्ना नू हथ लाए पहला फेर नमाज ता नीति। तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां सजदे करे मसीती, दुनियादारा रब दे नाल भी 420 कीती। बुल्ले शाह 1860 में पैदा हुए। उन्होंने बहुत बहुत पूरा शोभ दौर देखे, औरंगजेब आलमगीर की शदीद मजहबियत देखी, नादिर शाह के हमले, अहमद शाह अब्दाली के हमलों के नतीजे में पैदा होने वाले दिगरगुं हालात देखे। लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या सदियां गुजर जाने के बावजूद भी सब कुछ वैसे का वैसा नहीं है जो कुछ उनके दौर में हुआ, जो कुछ उन्होंने लिखा, जो कुछ उन्होंने महसूस किया? क्या आज भी उनकी सच्चाई, उनकी शायरी रेलेवेंट नहीं है? आज भी कई सदियां गुजरने के बाद बुल्ले शाह का कलाम तरोताजा महसूस नहीं होता? पढ़ पढ़ इल्म किताबा सबे नाम रख लिया काजी, पढ़ तलवार दुलार बनया नाम रख लिया गाजी। मक्के जाके हज गुजारी नाम रख लिया हाजी, पर बुल्ले शाह तो कुछ ना कीता जे तू यार ना कीता राजी। जिंदगी की अरजानी को क्या खूबसूरती से बयान करते हैं। जैसे मिर्जा गालिब कहते थे ना, बेसदा हो जाएगा ये साजे हस्ती एक दिन। सुनिए बुल्ले शाह क्या कहते हैं। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, तू ए खाक दी ढेरी, कोठियां बंगले सब टुर जाने जो तो लेखा आंख फेरी। बाबा बुल्ले शाह हमारे बहुत बात वैसे हैं, आप तो पांडव की से आए थे, और पांडव की सो पहले जो थे आप आए थे, ये क्या नाम है, रियासत बहावलपुर में है उच्छरी, वहां से इनका ताल्लुक है। हजरत सैयदना मीरा अब्दुल कादर सानी को राज से, और इनायत शाह साहब, अनायत शाह साहब ये कसूर के अराई हैं। आप जो अल अजहर यूनिवर्सिटी में सिलेबस बढ़ाया जाता है, वहां पे एक अरबी की बड़ी तहकीक किताब,
इतनी मोटी किताब है, इतनी चौड़ी किताब है, वो किताब हजरत शाह उनैद कादरी उसके मुसन्निफ और मुअल्लिफ है। हाँ, ये आप हैरान रह जाएंगे, वो कोई आम मौलवी नहीं थे, आम मलवंटे नहीं थे, वो बहुत काबिल और आले थे। हुन आम तौर पे लोग कहते हैं बुल्ले शाह, शाह कोई नफरे आगे बुल्ले शाह चल पइए शाह अनैत दे बुए जिन्हें मैनू दिते रंग सावे ते सूए, शाह अनैत मैं भूल गई हां आ तेरे नाल ना गई हां, वो लाहौर में चढ़ेगा तो तुम नहीं वहां पे आए, शाह अनैत मैं भूल गई हां आ तेरे नाल ना गई, तेरे इश्क नचाइया कर दी थैया थैया। हम जा रहे हैं बाबा बुल्ले शाह के मुर्शिद जनाब शाह इनायत के मज़ार पर जो लाहौर में है, वो वहीं रहे। हम कूचा शाह इनायत भी जाएंगे और अहाता करेंगे उस किस्से का जब बाबा बुल्ले शाह को कहना पड़ा कि मैं नाच के यार मनाना। नाच के यार क्यों मनाना पड़ा, ऐसी क्या गलती हुई थी, ऐसा क्या कसूर किया था बाबा बुल्ले शाह ने जिसके लिए उनके मुर्शिद नाराज़ हुए थे। आया वो नाराज़ हुए भी थे या नहीं, ये सब कुछ हम दिखाने के लिए आपको जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है।